हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई, हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं एफल स्टूडियो में मिक्सिंग कैसे कर सकते हैं। ये मैं अपना ओपिनियन बताने जा रहा हूं कि मैं कैसे करता हूं। आपका अपना भी स्टाइल हो सकता है, अपना आपका तरीका हो सकता है। हर सॉन्ग के अंदर अलग अलग स्टाइल होते हैं गाने के, तो अलग अलग EQ किए जाते हैं। तो ये म्यूज़िक और ऑडियो पहले ही आपने एक वीडियो के अंदर सुन लिया होगा और उसमें EQ करने के बारे में मैंने बताया था। इसको थोड़ा सा सुना देता हूँ कि ओरिजिनल वोकल्स हमारी कैसे हैं। तो मैं इसे नॉर्मलाइज कर देता हूँ। चांटे पड़ेंगे जहां भी देखेगा, कांटे खड़ेंगे, देख भाई तूने। म्यूजिक के साथ ऐसा है, ओके, सुनाई नहीं दे रहा ज़्यादा, तो मैं नॉर्मलाइज कर दूंगा। तो इसकी क्या होगा, नॉर्मलाइज करने से जितना ज़्यादा ये ऊपर उठ सकता है उतना उठेगा। जितना इसका जो पीक रेशो है, मतलब कि अगर ये पीक पूरा टच कर रहा है ऊपर कम वॉल्यूम के अंदर ही, मान लो कम वॉल्यूम है पूरा टच कर रहा है, तो ये उतना ऊपर नहीं जाएगा, ओके, जितना आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम उड़ जाएगी। पर अगर इसके अंदर स्पेस है, ऊपर खाली पड़ा है, नीचे खाली पड़ा है, तो जितना भी खाली पड़ा है एरिया, तो उतना ये ऊपर उठ जाएगा। जैसे कि ये डबल क्लिक नॉर्मलाइज, ओके। अब ये इतना बच गया है, वो इसलिए बच गया क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वॉल्यूम टच कर रही होगी, जैसे ये टच कर रही है, इसीलिए वो नहीं उठा ऊपर इतना, ओके। तो अब ओहो, ओके, ये माउस थोड़ा कई बार अपने आप ही काम करने लग जाता है। और मैं इसमें EQ दिखा देता हूँ, ये सब EQ किया हुआ है, सेकेंड EQ। ये EQ के ऊपर ही वीडियो बनाई थी, इसीलिए इतने ज़्यादा EQ लगा दिए थे, वरना इतनी कोई ज़रूरत नहीं है EQ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो दो EQ दिखा रहे हैं ये ऑफ़ किए हुए हैं मैंने, इनका कोई नीड नहीं है। तो अब मैं इसको यूज़ करने के लिए करूँगा कि इसमें कोई 4 चैनल है, तो मैं 5 या 6 में डाल देता हूँ, 7, 8, 9, जिसमें भी जो खाली होगा मैं उसमें डाल दूंगा। तो जहाँ पे ये EQ किया हुआ था तो मैं इसमें जोड़ देता हूँ, ओके। बाल और चाल पूरी तरह तेरी खींचेगी खाल, जहाँ भी दिखेगा चांटे पड़ेंगे, जहाँ भी दिखेगा कांटे खड़ेंगे, देख भाई तूने पब्लिक उठाई है, ओके। तो अब आप यहाँ पे इफेक्ट लगा सकते हो, इधर भी इफेक्ट्स लगा सकते हो, दोनों में आपका काम करेगा। ये मैंने EQ का पैनल अलग बना दिया है, ये समझ लो EQ का काम इधर हो रहा है। आप इफ़ेक्ट्स के लिए अलग भी बना सकते हो और काम के लिए अलग बना सकते हो, पर मैं इतना नहीं करूँगा, भारी हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो मैं अभी सिर्फ इसमें करूँगा और इसको मैं कलर दे देता हूँ ताकि मुझे ये याद रहे, जैसे ग्रीन, और इसका भी ग्रीन दे देता हूँ ताकि ये जुड़ा रहे और मुझे याद रहे कि ये कलर इसका दिया हुआ है, ओके। तो चलो अब इसको हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले EQ कर दिया था, अब मैं यहाँ पे रिवर्ब लगा देता हूँ जो मेन इम्पॉर्टेंट है। रिवर्ब लगाने के भी 2 तरीके हैं, यहाँ से आप इसको कम करें, बाकी कुछ ना छेड़ें, इसका साइज़ ऐसे कर दें और इसको हल्का सा लगभग 15% रखें। होने वाला तेरा पूरा है हाल। और अगर आपको पूरा करना है तो पूरा ऊपर कर दें और इसको कम कर दें। इसके अंदर ये तरीका इतना परफेक्ट नहीं लग रहा मेरे को, तो मैं इसको रीसेट करके इसे कम कर देता हूँ। सारी बातें तूने झूठी बताई, शब्दों के बारिश से कर दूं तबाही, भाई मेरे पीछे देते गवाही, गलत बातें करेगा। अगर आप इस साइज़ को अगर बिल्कुल बीच में कर दोगे तो आपको डिले का जो इफेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा सुनाई देगा, और सॉरी डिले का नहीं, रिवर्ब का इफेक्ट बहुत ज़्यादा सुनाई देगा, बिल्कुल मिड में सुनाई देगा। तो मैंने इसे थोड़ा फैट कर दिया ताकि ये कम सुनाई दे पर फैट जैसा रहे। होने वाला तेरा पूरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस की कॉपी बाल और चाल पूरी तरह तेरी खींचेगी खाल, जहां भी दिखेगा चांटे पड़ेंगे, जहां भी दिखेगा। कोई भी रैप सॉन्ग के अंदर ज़्यादा रिवर्ब हम नहीं लगाते हैं, अगर कोई सिंगर वाला सॉन्ग होता तो मैं उसमें रिवर्ब थोड़ा ज़्यादा लगा देता। तो अब मैं डिले बैंक यूज़ करता हूँ।
इसको बस डायरेक्ट इसे कम करता हूँ। होने वाला तेरा पूरा है हाल, चल। ओके, तो हल्का सा बस इतना आपने एडजस्ट कर देना, बैक ले आना इसे, यहाँ से 6% कर दिया है। होने वाला तेरा पूरा है हाल। ओके, तो अभी देखोगे कि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही थी उस वक्त, तो उसका एक कारण ये भी था, यहाँ पे फ्रूटी कंप्रेसर लगाया था और लगभग 3.9 dB हमने बढ़ा दिया था। होने वाला तेरा पूरा है हाल। ओके, अब ये बढ़ा दिया था इस कारण, अगर आपको लगता है कि भाई EQ थोड़ा और ज़्यादा उठना चाहिए तो यहाँ से हम उठा लेते थोड़ा, और ये वर्किंग में है। होने वाला तेरा पूरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस्से की कॉपी वाला और चाल, पूरी तरह तेरी खींचेगी खाल, जहाँ भी दिखेगा चाटे पड़ेंगे, जहाँ भी दिखेगा कांटे खड़ेंगे, देख भाई तूने पब्लिक उठाई है, ऐसे थोड़ी ना ये। ओके, और अगर आपको लगता है कि लाउडनेस थोड़ी और होनी चाहिए तो इसे गेन थोड़ा बढ़ाएं। होने वाला तेरा पूरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस्से की कॉपी वाला और चाल, पूरी तरह तेरी खींचेगी खाल, जहां भी दिखेगा चाटे पड़ेंगे। ओके, तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके अंदर आप फ्रूटी कंप्रेसर लगा सकते हो, चाहे इसके अंदर चाहे इसके अंदर। फ्रूटी कंप्रेसर लगाया तो एक लिमिटर लगा लो आप, अगर आपको नीड लगती है। होने वाला तेरा पूरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, इसे थोड़ा कम कर दो आप, जितना ये टच करने लग जाए, मतलब कि आप समझो ये जो लेवल्स जा रहे हैं ना, इसके बीच में टच करने लग जाए, बीच में लगभग इतना कर दोगे तो बीच में आ जाएगा। इसे थोड़ा कम कर दो, इसे भी कर दो नीचे, अगर थोड़ा इतना उठा दोगे तो कोई घाटा नहीं है, ये थोड़ा कर दो। अब इसे सुनना, होने वाला तेरा पूरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, पर क्या होगा, ये जो देख रहे हो ना, ये ऊपर की साउंड को नीचे कर रहा है, ये चोंच बना रहा है, ये फ्रीज कर रहा है, मतलब कि ऊपर की जो चुभने वाली साउंड्स हैं सभी को फ्रीज कर रहा है। होने वाला तेरा पूरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस्से की कॉपी वाला और चाल, पूरी तरह तेरी खींचेगी खाल, जहां भी दिखेगा। ये सब फ्रीज करते जा रहे हैं, जो भी अनवांटेड साउंड्स लग रही है। अगर आप गेन बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा वबल सा साउंड करेगा, अगर आप ज्यादा गेन बढ़ा देंगे। होने वाला तेरा, थोड़ा सा गेन बढ़ाओगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। होने वाला तेरा पूरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस्से की कॉपी वाला और चाल, पूरी तरह तेरी खींचेगी खाल, जहां भी दिखेगा चाटे पड़ेंगे, जहां भी दिखेगा कांटे खड़ेंगे, देख भाई तूने पब्लिक उठाई है, ऐसे थोड़ी ना ये बढ़ती है भाई, इतने जल्दी नहीं है जल्दी जड़ाई, तेरी कमाई तुझे रास नहीं आई, सारी बातें तूने झूठ ये बताई। ये इसलिए कर दिया कि ये जो ऊपर के लेवल्स हैं वो फ्रीज करता जा रहा है, देख रहे हो इस लाइन में जितना भी आ रहा है ये फ्रीज कर रहा है अपने हिसाब से ये, और नीचे वाली साउंड ऊपर उठ गई है, मतलब कि जो मुझे आवाज़ सुनानी थी वो सुनने लग गई है, और जो साउंड मुझे एक लिमिट में रखनी थी वो लिमिट में हो गई है। जैसा कि आप यहाँ देखोगे, ओवर हो रहा था कुछ, तो उसने उसको भी एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी अनवांटेड सी लग रही है, ख़राब हो रही है, तो मेरा ये कहना है कि आप इसके अंदर लगभग 35, यहाँ ऊपर लिखा आता है उसको आप देख लेना, ये थ्रेशहोल्ड 35 से पीछे करना ही नहीं है, या 25 से पीछे करना ही नहीं है, वरना बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि इतना नीचे चला जाएगा ना कि आपकी आवाज़ ही बंद हो जाएगी, समझ रहे हो इस बात को। जैसे आपको करके दिखाता हूँ मैं, देखो। होने वाला तेरा पूरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस्से की कॉपी। अभी हल्का सुनाई दे रहा, थोड़ी आवाज़ कम हो चुकी है, अब देखेंगे कम कर, तो इसे थ्रेशहोल्ड को नीचे करूंगा, आप देखना सुनना ध्यान से। होने वाला तेरा पूरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस्से की कॉपी वाला और चाल, पूरी तरह तेरी खींचेगी खाल। देखो वो जो आवाज़ बाहर निकल रही थी वो अब है ही नहीं, मतलब उसका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है। ओके, तो इस चीज़ को समझना। अब मैं दोबारा करके दिखाता हूँ कि यहाँ से जो साउंड है ना, ये सब जो आपने गेन बढ़ाया उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने इसको ढंग से यूज़ नहीं किया, तो ये गेन का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सुनते हैं। जहां भी दिखेगा चाटे पड़ेंगे, जहां भी दिखेगा कांटे खड़ेंगे, देख भाई तूने पब्लिक उठाई है। ये गेन देखो मैंने कितना कर दिया, फुल कर दिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, और जैसे ही मैं थ्रेशहोल्ड को छोड़ने लगूंगा ये अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। दोबारा सुनते हैं। थोड़ी ना ये बढ़ती है भाई, इतने जल्दी नहीं है जल्दी जड़ाई, तेरी कमाई तुझे रास नहीं आई, सारी बातें तूने झूठ ये बताई, शब्दों के वार से कर दूं तबाही, भाई मेरे पीछे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, थ्रेशहोल्ड और ये गेन दोनों का मेल बिल्कुल अच्छे होना चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लगभग 2-3 dB थोड़ा बढ़ाया है साउंड, या
4 GB 4 DB समझ लो, और थ्रेश होल्ड को लगभग आधा या तो उससे थोड़ा कम। देते गवाही गलत बातें करे गलत के काम, सोचे पड़ेगा जल्दी से नाम, सुबह शाम लेते भोले का नाम, तेरे जैसा नहीं देखा महान, ऐसा करोगे तो। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये गेन आपको इतना भी नहीं करना वोकल्स की लाइन के अंदर कि बिल्कुल ही टच कर जाए, खास कर मिक्सिंग के अंदर। ये जो आप देख रहे हो ना वॉल्यूम्स, आपको दिखाता हूँ। होने वाला तेरा पूरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस की कॉपी बाल और मिक्सिंग के अंदर अपनी वोकल्स को इतना टच नहीं होने देना है। आप बात याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि जब आपकी सॉन्ग्स की मास्टरिंग होती है तो भी वॉल्यूम उठाई जाती है, गेन लेवल उस वक्त भी यूज़ होते हैं और भी कंप्रेसर्स लगते हैं पूरे गाने के ऊपर। अभी अगर वोकल्स पे ही ऑलरेडी आप इतना उठा दोगे तो जब मिक्सिंग मास्टरिंग वाला काम होगा तो ये इसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी और वो ऐसा कुछ साउंड करेगा एकदम वबल जैसा। चाल पूरी तरह तेरी खींचेगी खाल, जहां भी दिखेगा चांटे पड़ेंगे, जहां भी दिखेगा कांटे खड़ेंगे, देख भाई तूने पब्लिक उठाई है। अभी सुनने में थोड़ा ठीक लग रहा होगा पर आवाज़ के अंदर जो बेस है ना, एक साउंड निकलती है और जो एक थिकनेस एक टाइटपन होता है वो सब खत्म हो जाता है, मतलब एकदम फ्लैट हो जाता है इतना, मतलब कि आपको एक साउंड सिर में फील ही नहीं करेगा कि हेडफोन में कि यार कुछ बज रहा है। जो थोड़ा सा इम्पैक्ट होना चाहिए वोकल्स का रैप में तो इतना मत करो, क्योंकि बाय चांस अगर मैं मान लो मास्टरिंग में जाऊँ और यहाँ से भी अगर मैं अपना गेन लेवल उठाऊँ, जैसे ऑन करता हूँ मास्टरिंग के, थोड़ी ना ये बढ़ती है भाई, इतने जल्दी नहीं है चढ़ती चढ़ाई तेरी कम, देख रहे हो कितनी गंदी आवाज होगी है। तो अगर मैं बंद करता हूँ, मैं तुझे रास्ते नहीं आई सारी बातें, और अगर दूसरी चीज देखोगे तो यहाँ साउंड कितना टच कर रहा है, 0 dB से ऊपर जा रहा है। तूने झूठ ये बताई, शब्दों के वारिस से कर दूं तबाह, गाना खराब हो रहा है आपके सिर्फ गेन लेवल को बढ़ाने के कारण, क्योंकि अगर आप गाने को सिर्फ सुन के काम करोगे तो काम खराब हो जाएगा, सुनने के साथ साथ आपको देखना भी पड़ेगा। भाई मेरे पीछे देते गवाही, गलत बातें करे गलत के काम, सोचे पड़ेगा जल्दी से नाम, सुबह शाम लेते भोले का नाम, तेरे जैसा नहीं देखा महान। और अगर मैं मास्टरिंग ऑन करता हूँ, अब सुनते हैं। ऐसा करोगे तो ले लूंगा जान, ले लूंगा ले लूंगा ले लूंगा जान। अब मेरे को मास्टरिंग के लेवल्स भी दोबारा एडजस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ये साउंड मास्टरिंग में भी बबल कर रहा है और मास्टरिंग में देखते हैं कैसा साउंड है। तूने झूठ ये बताई, शब्दों के वारिस से कर दूं तबाही, भाई मेरे पीछे देते गवाही, गलत बातें करे गलत के काम, सोचे पड़ेगा जल्दी से नाम, सुबह शाम लेते भोले का नाम, तेरे जैसा नहीं देखा महान, ऐसा करोगे तो ले लूंगा जान, ले लूंगा। ये देखो मास्टरिंग के अंदर कितना ज्यादा ये टच कर रहा है, इसी कारण से मास्टरिंग के अंदर वो जो वबल जैसी साउंड आ रही है, जैसे हम कहते हैं जैसे अब बेस और ये सब बिल्कुल खराब हो जाना, इम्पैक्ट खत्म हो जाना, तो वो चीज़ है। अगर मैं इसका लेवल को एडजस्ट करूँगा मिक्सिंग से तो मास्टरिंग में भी अच्छी साउंड आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी तो मास्टरिंग भी अच्छी हो जाएगी। पर ये बात आपको मान लो नहीं पता तो आप पहले से ही थोड़े से उस वे में रखो अपनी वोकल्स को जो थोड़ी फीकी फीकी लगे, जैसे कि इतना तीखापन ना हो पहले से ही। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका गेन लेवल मैं पहले ही थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके अब मैं यहाँ देखता हूँ। ओके अब वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा क्लियर सा दिख रहा है। अब ये सिर्फ बेस जहाँ आ रहा है ना, जहाँ पे किक साउंड आ रही है, सिर्फ उसको इम्पैक्ट कर रहा है और वो म्यूजिक के कारण कर रहा है। अब म्यूजिक और वोकल्स के लेवल को आपको एडजस्ट भी करना। तो यहाँ पे जो वोकल्स उठ रही है और इस यहाँ पे म्यूजिक का साउंड है और वोकल का साउंड है, मैच करना है। तेरी सारी चीजें मेरी ये। अभी यहाँ पे एक मिनट, शाम लेते भोले का नाम, तेरे जैसा नहीं देखा महान, शुरू किया तूने सारा बवाल, होने वाले। अब देखो मास्टरिंग प्ले हो रहा है, थोड़ा सा गलत क्या हो गया था, हम सुनते सुनते यहाँ पहुँच गए थे, ये एक नंबर के अंदर वोकल्स हैं और हम अभी काम कर रहे हैं 9 नंबर के वोकल्स के अंदर। तूने पब्लिक उठाई है, ऐसे थोड़ी ना ये बढ़ती है भाई, इतने जल्दी नहीं है चढ़ती चढ़ाई, तेरी कमाई तुझे रास्ते नहीं आई सारी। अभी देखो काफ़ी हद तक ठीक है, अगर ये सब इसमें मिक्स होने लग जाएगा ना, मान लो ये भी टच होके ऐसे हो गया,
बातें तूने झूठी बताई, शब्दों के वारिस से कर दूं तबाही। आपको ये नहीं करना, ये बहुत गंदा साउंड करेगा, इसको थोड़ा कंट्रोल में रखना है आपने। ओके, कंट्रोल में रखने के साथ यहाँ पे देखना भाई मेरे पीछे देते गवाही। ये जो साउंड उठ रही है इसको थोड़ा सा कम करना है अपने। गलत बातें करे गलत के काम, सोचे बढ़ेगा बड़ी से नाम, सुबह शाम लेते भोले का नाम, तेरे जैसा नहीं देखा महान, ऐसा करोगे तो ले लूंगा जान। क्योंकि अगर आप वोकल की देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो दोनों मैच भी करनी है, मतलब कि वोकल्स की आवाज़ आपके म्यूजिक के जो लेवल उठ रहा है ना, देखने के हिसाब से वोकल का जो लेवल है थोड़ा नीचे होना चाहिए, ना कि वोकल का म्यूज़िक से ऊपर होना चाहिए। क्योंकि कहने में लगता है कि म्यूज़िक से आवाज़ थोड़ी सी ऊपर हो, पर एक्चुअल में जब हम मिक्सिंग करते हैं देखते हैं तो उसमें हमारी आवाज़ नीचे होती है, ना कि म्यूज़िक, समझ रहे हो। कहने और देखने सुनने में फ़र्क होता है, इस कारण से देखना भी है, सुनना भी है और समझना भी है। ओके, तो अब मास्टरिंग इसे बंद करता हूँ। सोच पे राज है मेरा, तेरी सोच। देख रहे हो कितना डिफरेंस आ गया। ओके, तो अब हम इसका गेन लेवल थोड़ा एडजस्ट करते हैं। मेरा, अब तेरी सारी चीजें मेरी, ये। जहां भी दिखेगा चांटे पड़ेंगे, जहां भी दिखेगा कांटे खड़ेंगे। ये एक वाली, अब ये वाली वोकल्स है जिसमें हम एडिटिंग कर रहे हैं, थोड़ा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जहाँ भी दिखेगा चांटे पड़ेंगे, जहाँ भी दिखेगा कांटे खड़ेंगे। देख भाई तूने पब्लिक उठाई है, ते थोड़ी ना ये बढ़ती है भाई, इतने जल्दी नहीं है चढ़ती चढ़ाई, तेरी कमाई इतने। ओके, तो ये चीज हो चुकी है। चाल रस की कॉपी, बाल और चाल पूरी तरह तेरी खींचेगी खाल, जहाँ भी दिखेगा चांटे पड़ेंगे, जहाँ भी दिखेगा कांटे खड़ेंगे। अगर आपको साधारण भाषा में बताऊं तो जैसे ही ये हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हो जाएगा मिक्सिंग में, आप समझ लो कि आपने अपने गेन लेवल को रोक देना है, बस आपको ज़्यादा बढ़ाना ही नहीं है। आप सिंपल सा तरीका समझ लो, आपको इजी रहेगा, वरना जब बाद में एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आप अपने हिसाब से करते रहना, जब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ हो जाए। ओके, अब ये तीन चार चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब इसके अंदर मेन, मैं एफएल स्टूडियो का प्लगइन यूज़ नहीं करता जब मैं काम करता हूँ, मैं करता हूँ दूसरा प्लगइन जिसका नाम है नेक्टर, तो मैं उसके बारे में अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी बस इतना ही रखता हूँ मिक्सिंग में, अभी इसको आप प्रैक्टिस करो, समझो, और अगर कुछ आपको आइडियाज़ है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ और हम उसके ऊपर भी विचार करेंगे। ये मेरा तरीका था, होप आपको समझ आ रहा होगा, और इस तरह के और वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। हैव अ नाइस डे, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।